आखिरी पड़ाव क्विक फायर रिवीजन बाय सीए संकल्प कांस्टिया फॉर सीए फाइनल कॉस्टिंग ओआर ओल्ड सिलेबस लेट्स गेट स्टार्टेड अगले 30 मिनट्स आपकी जिंदगी बदल सकता है वी विल स्टार्ट नाउ एवरीवन सीए संकल्प कांस्टिया विद जस्ट फ्यू डेज लेफ्ट फॉर एग्जामिनेशंस योर आई एम विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या सर लास्ट डे रिवीजन जी हाँ सो लास्ट डे रिवीजन कैसे होगा जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए तो खाली 1.5 डेज है एंड जो सेकंड ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम है बट स्टिल मैंने उस हिसाब से ही पूरा ये वर्कआउट किया है कि आपके लिए एकदम क्विक फायर कॉस्टिंग ओवर पूरा कंप्लीट हो जाए अगेन सबसे पहला डिस्क्लेमर कि दिस इज ओनली अ क्विक रिवीजन ठीक है देयर इज नो गारंटी इसमें से ही कुछ आएगा नहीं आएगा नो आइडिया हाँ मैंने क्या किया है कुछ सम्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स कंपाइल किए हैं विच विल कवर ऑलमोस्ट द एंटायर सब्जेक्ट विच कैन बी हेल्पफुल टू यू डिस्क्लेमर नंबर टू प्लीज अपना पीएम प्रैक्टिस मैनुअल कॉस्टिंग वाला एंड ओआर वाला जो रीसेंट प्रैक्टिस मैनुअल है ना जो या तो अभी इंस्टीट्यूट पे अपलोडेड है या आपका आई थिंक ग्रे बुक वाला वो लेकर बैठिएगा तो आपके लिए ये लेक्चर काफी इफेक्टिव रहेगा जस्ट फॉलो दिस फॉर द लास्ट डेज ऑफ द एग्जामिनेशन एंड आई एम श्योर आप लोग को कोई तकलीफ नहीं होगी ये सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पूरा कंप्लीट करने में एंड एग्जेम्पशन क्लेम करने में सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इमीडिएटली मैं स्टार्ट करता हूं हाउ टू प्रिपेयर इन द लास्ट डेज कॉस्टिंग एंड ओ आर फॉर ओल्ड सिलेबस लेट्स गेट स्टार्टेड योर पीएम ऑफ कॉस्टिंग एंड ओ आर शुड बी रेडी विद यू एंड साथ में एक बुक और पेन लेके बैठना जो भी मैं इधर लिख रहा हूं ट्रेडिशनल वे में वो सब चीज कॉपी कर लेना एंड इस चीज को फॉलो करना गेम खत्म एंड वी शुड लुक गुड ठीक है चलो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दैट नोट सो टोटल आपके पास अराउंड 23 आवर्स होते हैं अगर आप लॉ का एग्जाम देके आओगे तो इमीडिएटली जब आप आओगे उस दिन पे अराउंड 5 आवर्स होंगे सो 2 to 5 का एग्जामिनेशन है 6 o'clock तक आप आ जाओगे तो मैं अज्यूम कर रहा हूं 6:30 को आप स्टार्ट करते हो अराउंड 11:30 to 12 तक अगर आप पढ़ाई करोगे कंटिन्यूसली सो 6:30 to 12:30 आवर्स होता है उसमें एक आवर का ब्रेक ले लो सो ये हो गए अपने 5 आवर्स उसके नेक्स्ट डे आपको फुल डे मिलेगा अज्यूमिंग आप 5:30 मॉर्निंग में उठते हो एंड फुल डे तक पढ़ाई करते हो तो 14 आवर्स वहां पे एंड एग्जाम डे पे अगेन मॉर्निंग 7 टू 11 का मैंने कंजर्वेटिव टाइम लिया जो आपके पास डेफिनेटली रहेगा तो 7 टू 12 आप पढ़ोगे उसमें से 1 आवर निकाल दिया तो 4 आवर्स वहां पे रहेगा सो टोटल वर्क्स आउट टू 23 आवर्स तो आपको 23 आवर्स में कैसे ये पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट करना है ये मैंने टॉपिक बाय टॉपिक एंड आवर बाय आवर लिखा है आप भी साथ साथ में लिखते जाइएगा थिंग्स विल बिकम वेरी गुड फॉर यू आपको भी सबकॉन्शियसली एक एक चीज याद हो जाएगा ठीक है सो सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करेंगे डीआईबी तो अभी मैंने क्या किया पता है यहां पे टोटल सब चैप्टर्स के नाम एंड उसके आर्स लिख दिए हैं ओआर में भी चैप्टर्स के नाम और उसके आर्स लिख दिए हैं मेरा जो नेक्स्ट स्लाइड है ना उसमें मैंने सीक्वेंस भी लिखा है कि कौन सा आपको पहले करना है कौन सा दूसरा कौन सा तीसरा वो सीक्वेंस भी लिखा है फिलहाल खाली यहाँ पे आर्स देख लीजिए तो सबसे पहला आपका कॉस्टिंग में है डेवलपमेंट इन बिजनेस एनवायरमेंट वी विल गिव 3 आवर्स फॉर दैट सेकेंड चैप्टर डिसीजन मेकिंग कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट 2.5 आवर्स प्राइसिंग पॉलिसी 1.5 बजट 2 स्टैंडर्ड 2.5 आवर्स ट्रांसफर प्राइसिंग 2 आवर्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड सर्विस छोटे से चैप्टर्स है उसको 1 आवर्स का वेटेज दिया है सो दैट विल टोटल अप टू अप्रोक्सीमेटली 14.5 आवर्स वहां पे एंड ओआर के लिए है सीपीएम पट को 2.5 ट्रांसपोर्टेशन को 2 लर्निंग कर्व थ्योरी 1.5 एलपीपी 1.5 असाइनमेंट प्लस सिमुलेशन 1 आवर्स इसका टोटल हो जाता है 8.5 आवर्स सो इन ऑल आप अगर देखेंगे तो आपके पास कितना है 23 आवर्स विच वर्क्स आउट जो अपन लोग ने शेड्यूल निकाला है सो अब 2 मिनट लीजिए वीडियो को चाहिए तो पॉज कर देना एंड प्लीज राइट डाउन दैट ये चैप्टर्स को किस किस को कितना टाइम देना है इमीडिएटली नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट होगा कि कौन सा सीक्वेंस में अपन जाएंगे एंड उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं डायरेक्टली मार्क्ड फ्रॉम द पीएम थ्योरी कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स एवरीथिंग क्योंकि अपने को पता है कि सीए फाइनल कॉस्टिंग ओआर का पीएम कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग सब लोग ने अगर ऑप्टिमाइज बुक भी पढ़ा है अगेन मैंने रेफरेंसेस मेजरली पीएम से ही पिकअप किए हैं सो दैट विल अगेन बी इजी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप भी उस चीज को पीएम से मार्क कर लो अगेन स्टडी वाइज आप ऑप्टिमाइज बुक यूज कर लेना कोई तकलीफ नहीं है ठीक है सो प्लीज पॉज द वीडियो क्विकली राइट इट डाउन एंड देन आई विल टेक थिंग्स फॉरवर्ड तो अब नेक्स्ट चीज के ऊपर अपन आए उसके पहले ये रेडी रखना ये आपके पास बना हुआ रेडी होना चाहिए अब एग्जाम का लास्ट डेज है सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग ने खुद के बेसिस पे फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट शीट कुछ रेडी कर ली होगी एंड ओआर में जो प्रोसेस होता है उसका एक फ्लोचार्ट डायग्राम फॉलो कर लिया होगा
अपने बुक में ऑलरेडी है, इनकेस आप लोग ने नहीं उसको फॉलो किया है तो प्लीज वो एक चीज रेडी रखना, सो थिंग्स विल बिकम क्विकर. सो चलो नाउ ऑन दैट नोट लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर वाइज बाइफर्केशन एंड चैप्टर वाइज शेड्यूलिंग ऑफ कॉस्टिंग एंड ओआर. तो सबसे पहले अपने को स्टार्ट करना है ओआर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीपीएम पर्ट. लास्ट 20 इयर्स के पेपर देखिए, सीपीएम पर्ट हमेशा अप्रोक्सीमेटली 6-10 मार्क्स के लिए पूछा ही गया है. जस्ट गोज ऑन टू से कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर. तो अपन वही सेकंड वही फर्स्ट चैप्टर से अपन स्टार्ट करेंगे सीपीएम पर्ट. अब क्या क्या कॉन्सेप्ट करने हैं, कौन से सम्स करने हैं पीएम से मैं बताते जा रहा हूं. सबसे पहले है फ्लोट्स के जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड सम. सो उसके लिए आपके पास फ्लोट्स के सब कॉन्सेप्ट रेडी होने चाहिए. एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे जैसा अपना ये ओवर का ऑप्टिमाइज्ड बुक है, क्विकली गो थ्रू करेंगे तो ESLF, EFLS के सब फॉर्मूलाज है, स्लैक टाइम एंड देन फिर बाद में टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट एंड फाइनली इंटरफेरिंग फ्लोट. सो ये अपने पास रेडी होना चाहिए सो दैट वी विल देन क्या करेंगे अपन, सबसे पहले फॉर्मूलाज लिख लेंगे. देखकर लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड इमीडिएटली वी विल सॉल्व पेज 13.23 पे क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच इज अ वेरी गुड सम जो सब कॉन्सेप्ट्स कवर करेगा आपके स्लोप के. फिर थ्योरी क्वेश्चन के लिए पेज 13.18 पे क्वेश्चन नंबर 7 जो लूपिंग वाला पॉइंट है वो वाला यहाँ पे अपने को थ्योरी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है सीपीएम पर्ट में. सो पहले फ्लोट्स वाला सम देन फिर ये थ्योरी क्वेश्चन. अब आ जाते हैं पर्ट पे जो है चैप्टर नंबर 14. तो पर्ट का पहले सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेना है, टीपीटीओ टीएम 4TM डिवाइड बाय 6, फिर बाद में अपने स्टैंडर्ड डिविएशन की फॉर्मूलाज, वेरियंस ऑफ क्रिटिकल पाथ, z इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन माइनस गिवन ड्यूरेशन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, उससे रिलेटेड. अब जैसे ही अपन सब फॉर्मूलाज और वो गो थ्रू कर लिया अपन लोग ने क्विकली, वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 5 विच इज ऑन पेज 14.19, अ गुड क्वेश्चन जो सब चीज को कवर करेगा. फिर क्वेश्चन 6 पेज 14.22 पे अल्फाबेटिक डायग्राम. तो अपने को पता है अल्फा सीपीएम होता है, अल्फा पर्ट होता है, जहां पे ए बी सी डी प्रीडिसेसर ए प्रीडिसेसर बी वाला होता है. तो ये वाले क्वेश्चन में पेज क्वेश्चन 6 पेज 14.22 वाले क्वेश्चन में अल्फाबेटिकल डायग्राम भी है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे पर्ट के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे. फिर है क्वेश्चन 12 पेज 14.37 एंड देन क्वेश्चन 13 पेज 14.40 पे जो बेसिक्स ऑफ क्रैशिंग के बारे में बात करता है. तो सीपीएम फ्लोट से लेकर थ्योरी, फिर बाद में पर्ट से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जो अपने को फंडामेंटली इंपॉर्टेंट लगते हैं वो अपन लोग ने किया एंड देन फिर बाद में अपन लोग आ गए बेसिक्स ऑफ क्रैशिंग के ऊपर, जहां पे अपन करेंगे क्वेश्चन 13 पेज 14.40. फिर क्विकली कर लेंगे क्वेश्चन 14 विच इज ऑन पेज 14.42 द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्ट प्लस क्रैशिंग. तो अपन ने ऊपर पहले पर्ट किया फिर क्रैशिंग किया, अब ये कंबाइंड क्वेश्चन ऑन पर्ट प्लस क्रैशिंग. फिर है टाइम स्केल डायग्राम जो यूजुअली स्टूडेंट्स ऑप्शन में छोड़ देते हैं, डोंट डू दैट. तो टाइम स्केल डायग्राम एंड रिसोर्स लेवलिंग के रिलेटेड दो टिपिकल क्वेश्चन आईसीआई के, क्वेश्चन 26 क्वेश्चन 27 पेज 14.73 एंड 14.77 प्लीज कर लीजिएगा. टाइम स्केल डायग्राम के कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन के लिए और एक सम के सॉल्विंग के लिए मैंने मेरा यूट्यूब डाला है, आप वहां पे सर्च कीजिए डेफिनेटली आपको मिल जाएगा. तो मैं लिंक्स भी सब शेयर कर रहा हूं मेरे रिविजन वीडियोज के यहाँ पे जैसा मैंने आपको कहा, तो वहां पे आपको टाइम स्केल डायग्राम का भी सब लिंकिंग मिल जाएगा. सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस फर्स्ट एस्पेक्ट. तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे सीपीएम पोर्ट के साथ. दीज आर द सम्स, क्विकली आप नोट डाउन कर लीजिए कॉन्सेप्ट्स एंड देन फाइनली टाइम स्केल डायग्राम. ठीक है, सो प्लीज पॉज. नेक्स्ट इन लाइन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी. अब अपन लोग आ जाएंगे कॉस्टिंग पे विच इज डेवलपमेंट इन बिजनेस एनवायरमेंट. थियोरेटिकल चैप्टर है एंड हाईली इग्नोर्ड, बट ट्रस्ट मी अराउंड 20 मार्क्स का वेटेज आने वाला है ये सब जो भी चैप्टर्स है, छोटे छोटे चैप्टर्स है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अब इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो जो भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस है वो भी मैंने मार्क कर दिए एंड उसी से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो भी मैंने मार्क कर दिए जैसा आप लोग देख सकते हैं. अगेन इससे रिलेटेड पूरा थ्योरी का मेरा एक 2 आवर्स का वीडियो है एंड इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड अगेन सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का भी मेरा एक अराउंड 2 आवर्स का वीडियो है. गो थ्रू दैट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस गिवन हियर, पूरा का पूरा आपका डन एंड डस्टेड हो जाएगा. ठीक है, सो TQM थ्योरी क्वेश्चंस टोटल अराउंड अगर आप पीएम देखेंगे तो 65 क्वेश्चंस है, उसमें से मैंने ट्राई किया है कि खाली 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लिया है. सेम वे विद प्रैक्टिकल अराउंड 35-36 क्वेश्चंस है, उसमें से अराउंड 15 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे जॉट डाउन कर लिया है. तो आप इनको ही करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एज आई सेड
go through my videos on YouTube, उसमें ये सब चीज कवर हो जाएगी. In case of doubts, you can come back to me. So, theory question, practical question, please note down कर लीजिए. TQM में question chapter theory question है 4, 7, 8, 11. Continuation में फिर ABC आता है 15, 19, 27, 28. Target costing का question 31, 36. Life cycle costing is question 37 and 40. Value chain analysis is 41, 42, 44, 45. And lastly, just in time question 54, 55, 56, 58. So these are some fundamental questions just in time में, specially back flushing and all of that. फिर बाद में आ जाता है अपना practical aspect. Practical aspect में TQM के 135 ABC practical के लिए बहुत important है. Around 10 to 12 marks कई बार question आता है. So we have to focus on that. So 7, 10, 12. Target costing 20, 21. Life cycle costing 27, 28, 30. Value chain analysis पे theory 2-3 questions है. I think उसको आप refer कर सकते हो, कोई problem नहीं है. वो मैंने इधर 42, 44, 45 में cover हो गया है, तो problem नहीं है. And JIT का या तो question 32 या 33 कर लो, दोनों similar है. And that should be it. ठीक है. So quickly आप लोग इसको भी copy down कर लो. इग्नोर मत करना, थ्योरी है इसलिए अपने से छूट जाता है. डोंट डू दैट मिस्टेक. क्वेश्चन नंबर 7, 16 मार्क्स जो थ्योरी आता है, मेजॉरिटी इसी में से रहता है. एंड वो क्विकली अटेम्प्ट भी हो सकता है, टाइम वेस्ट का भी प्रॉब्लम नहीं है. सो प्लीज उस चीज को ध्यान रखिएगा, कॉपी डाउन. फिर क्वेश्चन 1 का ही सब पार्ट है थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स, इक्वली इंपॉर्टेंट. इसमें थ्योरी क्वेश्चन है पे क्वेश्चन 64 में 17 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7D था आई थिंक, ये 7D या 7E. सो बाइफर्केशन है, वो करना है अपने को थ्योरी इसमें. एंड प्रैक्टिकल में क्वेश्चन नंबर 36 है, विच इज अगेन ऑल कंप्राइजिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स विच आर देयर इन थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स. सो थ्योरी के लिए क्वेश्चन 64, प्रैक्टिकल के लिए क्वेश्चन 36, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी कम टू अनदर चैप्टर ऑफ कॉस्टिंग. सो यहां पे मेरा ट्रांसफर प्राइसिंग अपन लोग स्टार्ट कर पाएंगे. ट्रांसफर प्राइसिंग में सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है. तो अगर आपको याद हो तो, अगर फुल आइडल हो तो अपन वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रांसफर करते हैं, फुल्ली यूज्ड हो तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे, पार्ट आइडल पार्ट यूज्ड हो तो वेरिएबल कॉस्ट फॉर आइडल पार्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द यूज्ड पार्ट एंड उसका एवरेज. इस बेसिस पे अपन डिपार्टमेंटल ट्रांसफर करते हैं. नाउ बेस्ड ऑन दीज फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट्स मैंने कुछ सम्स डाउन लिस्ट डाउन किए हैं. आप सब सम करोगे ना, आपको लगेगा अरे सर ये भी तो इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है. बट भूलना मत, ये रिविजन लेक्चर है तो सब चीज नहीं कवर हो पाएगी. सो शेयर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन 1 करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन 6 करेंगे, काफी अच्छा समय. प्राइसिंग मॉडल क्वेश्चन नंबर 13, वो पी इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू. सो एक टाइप का ही ये क्वेश्चन है तो अपन कर लेंगे इसको. मल्टीनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर क्वेश्चन नंबर 15 है, दैट इज वॉट वी विल डू. एंड देन एक एडिशनल क्वेश्चन नंबर 17 है ज़ायो मी लिमिटेड का, दैट इज ऑल्सो वॉट वी विल डू. अगेन सम से रिलेटेड अगर आपको जो भी थ्योरी में अगर एकदम क्विक ब्रशअप चाहिए अराउंड हाफ एन आवर में, गो थ्रू माय थ्योरी ऑफ सॉरी ट्रांसफर प्राइसिंग का जो मेरा लेक्चर है जहां पे मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस किया है क्विकली, वो मेरा लिंक पे जाइए, यूट्यूब लिंक पे ट्रांसफर प्राइसिंग रिविजन के, यू विल गेट इट. गो थ्रू इट, काम खत्म, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट इन लाइन इज बजटरी कंट्रोल. सो फोर्थ चैप्टर अपन लोग बजटरी कंट्रोल वाला करने वाले हैं. इसमें भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आता है. तो थ्योरी के लिए सेक्शन सी के क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसमें जहां पे जीरो बेस्ड बजटिंग है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है. सो क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 ऑफ सेक्शन सी थ्योरी करेंगे आप. एंड यहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए मैंने कुछ अराउंड 6 सम्स लिस्ट डाउन किए, लेट्स क्विकली गो थ्रू दैट. क्वेश्चन 4 है मास्टर सम, काफी कॉन्सेप्ट इसमें आपके कवर हो जाएंगे. एक दो लर्निंग कर्व के पॉइंट्स है, डिसीजन मेकिंग के पॉइंट्स है, वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बाइफर्केशन एंड देन द प्रॉपर बजटिंग. सो वेरी गुड सम दिस. देन क्वेश्चन 7 इज बेस्ड ऑन कैश बजट, क्वेश्चन 8 इज कैश बजट प्लस इनकम स्टेटमेंट कैश बजट से जो बनाना होता है. फिर क्वेश्चन 14 अगेन इज अ गुड मास्टर सम जिसमें प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, सेल्स बजट, कंजम्पशन बजट, लेबर बजट सब बजट कवर हो जाएंगे. क्वेश्चन 22 एक ओवरव्यू है, आप वहां पे भी उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं. लास्टली क्वेश्चन 25 जो अपने रेशियोज है ना, एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी रेशियो जो अपन लिंक करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फिक्स्ड ओवरहेड वैरियंसेस के साथ, तो वो रेशियोज के ऊपर कई बार क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. सो डू नॉट स्किप दैट, इमीडिएटली आप इसको बराबर कर लेना. ठीक है, सो आई होप वी आर क्लियर विद बजटरी. सो सीक्वेंस क्या है अपना, सबसे पहले सीपीएम पार्ट किया, डेवलपमेंट इन बिजनेस एनवायरमेंट किया अपन लोग ने, फिर ट्रांसफर प्राइसिंग किया, फिर बजटरी कंट्रोल किया. अब अपन लोग आ जाते हैं वापस ओआर के ऊपर. सो अब मैं जो ओआर आप लोग को भी कंटिन्यू करवाऊंगा ना, वो थ्रू आउट अभी ओआर अपन लोग कंप्लीट ही कर देंगे ताकि वी आर सॉर्टेड डन एंड डस्टेड विद ओआर. एंड बैक ऑफ द माइंड ये भी रहेगा कि हाँ भाई अपन लोग ने ऊपर ऑलरेडी 3 चैप्टर मेजर चैप्टर्स अपन लोग ने कॉस्टिंग के भी कवर कर लिए हैं, तो
वो भी एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहेगा. नाउ ओआर में अपन स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के साथ. ट्रांसपोर्टेशन में पहले तो सबसे पहले स्टेप्स है, थ्योरी है, वैम के स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, बराबर ना. पेनल्टी एंटर फ्रॉम द हाईएस्ट पेनल्टी, लीस्ट कॉस्ट माइनस नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट, तो वो पूरा जो भी आपके स्टेप्स है फटाफट गो थ्रू कर लेना. आई एम श्योर आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे या जो नोट्स से आप पढ़ रहे हैं उसको हैंडी रखिएगा. फ्लो चार्ट है अपना ऑप्टिमैलिटी सॉल्यूशन टेस्ट का, ऑप्टिमाइज बुक आपके पास होगी तो आई एम श्योर आप लोग गो थ्रू करेंगे. फिर कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन है इससे रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, तो फटाफट अपन वो रीड कर लेंगे. डीजेनरेसी, तो ओएसटी स्टार्ट करने के पहले चेक फॉर डीजेनरेसी क्या होता है. नंबर ऑफ एलोकेशन इक्वल टू एम प्लस एन माइनस वन, नहीं हुआ तो डमी एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. फिर ऑल्टरनेट सोल्यूशन, इफ नेट इवेल्युएशन इज जीरो ऑल्टरनेट सोल्यूशन एग्जिस्ट देन प्रोहिबिटेड रूट, अगर एम हो जहां से भी पॉसिबल नहीं हो तो उधर अपन मैक्सिमम नंबर एम डालते हैं तो एलोकेशन विल नॉट बी पॉसिबल. देन मैक्सिमाइजेशन का सम होगा तो उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे, मैक्सिमम नंबर उठाओ, डिडक्ट इट फ्रॉम ऑल अदर नंबर्स एंड इटसेल्फ, मिनिमाइज क्वेश्चन बन गया, देन फॉलो द नॉर्मल मेथड. एंड लास्टली डमी, व्हेन रिक्वायरमेंट इज नॉट इक्वल टू अवेलेबिलिटी तो अपने को डमी रो या डमी कॉलम डालना पड़ेगा एज द केस मे बी. ठीक है, सो दीज आर द स्पेशल सिचुएशंस दैट कैन अराइज. सो डमी कब इंट्रोड्यूस करना होता है, जब क्वेश्चन फीजिबल ना हो. सो जब अगर आपको अगर समझो क्वेश्चन में पूछा हो कि इज द क्वेश्चन फीजिबल, तो रिक्वायरमेंट इज नॉट इक्वल टू डिमांड देन इट इज नॉट फीजिबल. कैसे फीजिबल करोगे, डमी रो या डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करके. इसके लिए सम्स मैंने ज्यादा नहीं लिए हैं, आप देख सकते हो. अब अपने को मैंने क्या लिखा, वैम प्लस ओएसटी का एक सम करना है जिसमें पूरा कंप्लीट पिक्चर मिलेगा. एनी वन सम, आपने कोई क्लास की होगी वहां से या पीएम से भी कोई भी, आप रैंडमली स्टार्टिंग के चार पांच सम में से कोई भी उठा लो वो भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है. फिर एक मैक्सिमाइजेशन टू मिनिमाइजेशन प्लस जिसमें डमी इंट्रोडक्शन होता है उसका भी कोई भी एक सम इंट्रोड्यूस कर सकते हो. कम से कम 500 स्टूडेंट्स ने मुझे ये डाउट पूछा है कि सर पहले मैक्सिमाइजेशन टू मिनिमाइजेशन करना है फिर डमी ऐड करना है या वाइस वर्सा, डू आइदर वेज इट विल गिव यू द सेम आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पीएम का क्वेश्चन 15 या क्वेश्चन नंबर 16 कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है. वो फंडामेंटल पॉइंट वाला जो है आजकल वो लोग इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस पूछते हैं आपको कॉन्सेप्ट टेस्टर्स, सो क्वेश्चन 15 या 16 मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है. एंड देन पीएम का ही सेक्शन सी में से, ये चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है. सो गो थ्रू ऑल दिस एंड यू आर थ्रू विद दिस चैप्टर. सो आई होप आप लोग लिखते जा रहे हो जहां जा, क्योंकि आपको लग रहा है क्विक हो रहा है तो प्लीज वीडियो को पॉज कर देना एंड देख लो. अगर आई थिंक ऊपर वाला भी आपका कुछ मिस हो गया है, सो आई जस्ट एक बार ऊपर आपको गो थ्रू करवा देता हूं. दिस इज फॉर योर ट्रांसफर प्राइसिंग, पॉज कंटिन्यू. दिस इज फॉर योर बजटरी कंट्रोल, पॉज कंटिन्यू. दिस इज ट्रांसपोर्टेशन, पॉज कंटिन्यू. अब आ गया असाइनमेंट सिमुलेशन, दोनों छोटू छोटू चैप्टर है, एकदम क्विकली अपने को करना है. सबसे पहले असाइनमेंट में हंगेरियन मेथड, स्टेप्स प्लस फ्लो चार्ट, फिर मैक्सिमाइजेशन टू मिनिमाइजेशन, इसमें भी जो कॉन्सेप्ट होता है सेल्स प्रॉफिट वाला. फिर बाद में आता है डमी, डमी इसमें कब आता है, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. पीएम में से अगर आपको करना है क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 12 आप देख सकते हो, अच्छा है टच बेस करने के लिए. क्वेश्चन 14 या क्वेश्चन 15 अपना ट्रैवलिंग सेल्समैन वाला आपका फेवरेट क्वेश्चन. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी सर प्लीज इसके ऊपर वीडियो बनाइए, आई एम टेकिंग आउट सम टाइम, प्लीज पॉसिबल हुआ डेफिनेटली आई विल कम अप विद द वीडियो फॉर दैट एंड आई होप आप लोग के इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे. एंड देन है क्वेश्चन नंबर 17, फिर है पीएम का सेक्शन सी में से क्वेश्चन नंबर 4, अगेन अ गुड क्वेश्चन, ये भी आप कर लेना. देन है सिमुलेशन, सिमुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं डालना है. स्टेप्स ऑफ सिमुलेशन, इसमें थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पीएम इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी, दो बार रीड कर लेना, लर्न करना पॉसिबल नहीं है, दो बार रीड कर लेना. पीएम के ही सिमुलेशन के क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12 अपना वो बेकरी वाला है, बेक्स वाला, टाइम मिले तो करना, नहीं हुआ तो भी ठीक है. क्वेश्चन 14 अगेन टाइम मिले तो करना, नहीं हुआ तो ठीक है, बट क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 11 कर लेना ताकि एक आपका हैंड्स ऑन हो जाए सिमुलेशन को लेकर. असाइनमेंट एंड सिमुलेशन एकदम क्विक फायर राउंड में जाना चाहिए. देन वी कम टू लर्निंग का, आप देख सकते हो मैंने इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया है. अच्छा सर ओके, फटाफट इसको लिख लो पॉज करके, पॉज एंड राइट, किया पॉज, किया लिखा, अब चलो आ गया था मैं. अब आ जाता है मेरा इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है लर्निंग का, मेरे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. सबसे पहले फॉर्मुलेज फटाफट कर लेना, जो भी है y इक्वल टू a इनटू x रेस टू b. y क्या होता है, एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस x नंबर ऑफ यूनिट्स. a क्या होता है, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस द फर्स्ट यूनिट. x क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर विच y इज बीइंग कैलकुलेटेड. b क्या होता है, लर्निंग कर्व इंडेक्स, विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ लर्निंग कर्व अपॉन लॉग
टू, ठीक है, तो उससे अपने को पूरा सम सॉल्व करना है इनकेस आउटपुट डज नॉट डबल, और अगर आउटपुट डबल हो रहा है तो प्रॉब्लम ये नहीं है, एवरेज आवर्स पे लर्निंग कर्व इंडेक्स लगते जाएगा 1, 2, 4, 8, 16, so on and so forth, ठीक है। अगेन बेस फंडामेंटल्स क्लियर रखना उसके, फिर पीएम के क्वेश्चन 2, 3, 8, 12, 13, 14 ऑल इंपॉर्टेंट, इसमें एक दो क्वेश्चन है विच इज लर्निंग कर्व विद मार्जिनल कॉस्टिंग, एक क्वेश्चन है लर्निंग कर्व विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बोथ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज उसको मिस आउट मत करना, इनफैक्ट जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिखे बराबर से कर लेना। सेक्शन सी है इसका थ्योरी पार्ट, क्वेश्चन 1 2 3 है जो इसमें थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि भाई लर्निंग कर्व एप्लीकेबल होगा या नहीं, बिकॉज लर्निंग कर्व लेबर ओरिएंटेड एक्टिविटीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, आप सबको पता है, so वहां पे उन्होंने वही टेस्ट करने की कोशिश की है कि वेदर इट इज एप्लीकेबल और नॉट, कर लेना, चार मार्क के लिए कई बार इंस्टीट्यूट उसमें क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से 8 मार्क इसमें से गारंटीड आएगा ही आएगा, अगेन माय थॉट्स। ओके, एलपीपी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फॉर्मुलेशन, ग्राफिकल, सिंप्लेक्स, फॉर्मुलेशन बेसिक्स करना है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 कर लिया, बहुत हो गया, इसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, यहां पे भी क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 19 कर लिया आपने पीएम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंप्लेक्स के लिए खाली मैं स्पेशली बोलूंगा, प्लीज आप मेरी ऑप्टिमाइज बुक के जो स्टेप्स है वो जो 4 पेजेस में मैंने पूरा सिंप्लेक्स कवर किया है, गो थ्रू दैट, हो गया आपका अगर क्वेश्चन आया सिंप्लेक्स के ऊपर, समझ लो जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है दैट मार्क्स इन योर पॉकेट, एंड उसमें सेक्शन सी का क्वेश्चन 3 पेज 10.83 है, आप लोग को वो एकदम प्रॉपरली करना है। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, सॉल्व करने को नहीं हो रहा है, मैंने इसका यूट्यूब वीडियो डाला है टाइम स्केल डायग्राम के साथ, वही लिंक में इसका केस स्टडी का सिंप्लेक्स वाला क्वेश्चन 3 पेज 10.83 मैंने पूरा अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और स्टेप्स के लिए जैसा मैंने आपको कहा, ऑप्टिमाइज्ड गो थ्रू कीजिए, उसमें एवरीथिंग इज देयर इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, सो आई होप वी आर क्लियर टिल हियर। अब जैसे ये मेरा पूरा कंप्लीट होता है, ओआर इन एन आर का वीडियो आप लोग ने देखा होगा, सो प्लीज उसको वापस से क्विकली रिवाइज कर लेना, सो दैट ओआर एक घंटे में वापस क्विक रिकैप हो जाएगा, यू आर थ्रू, ठीक है, डन, ओके, पॉज एंड क्विकली राइट डाउन। चलो ओआर निपट गया, अब आ जाते हैं वापस कॉस्टिंग के ऊपर, मेरा पर्सनल फेवरेट सीवीपी एंड डिसीजन मेकिंग, अनदर एंटर टॉपिक। अब इसमें से जो मैंने सिलेक्टेड सम्स उठाया मेरे लिए बहुत तकलीफदायक था, बोलते ना एक माँ को अगर बोलोगे तुम्हारे बच्चों में से सबसे तुम्हारा फेवरेट बच्चा कौन है, तो क्या माँ कह पाएगी, नहीं, वैसा ही कुछ मेरे साथ था, मेरे लिए सीवीपी इज माय ब्रेड एंड बटर, सीवीपी एंड डिसीजन मेकिंग, सो आप सब लोग ने देखे भी होंगे वीडियोस, मैं काफी पैशनेट हूँ ये चैप्टर के लिए और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए, बट एनीवेज इन ऑर्डर टू हेल्प यू डू इट क्विकली मैंने कुछ लिस्ट डाउन किए हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट्स, नेवर एंडिंग। सबसे पहले सीवीपी पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, अगर ब्रेक इवन का याद हो तो इसमें जंपिंग ब्रेक इवन पॉइंट का भी अपना कॉन्सेप्ट होता है, इमीडिएटली अपने को वो फटाफट कर लेना है, एंड मार्जिनल के बेसिक्स पर पीवी रेशियो ब्रेक इवन पॉइंट, सो पीवी रेशियो क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन 200, देन रिकवरी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिकवरी ऑफ नेट प्रॉफिट, फिर रेलेवेंट कॉस्ट के लिए मटेरियल लेबर ओवरहेड मशीनरी के जो अपने डायग्राम्स है उस हिसाब से वर्कआउट करेंगे, देन फंडामेंटल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एग्जांपल्स याद करना मेरे, देन कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट, शटडाउन पॉइंट, अब्सॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल के जो बेसिक्स है वो, लिमिटिंग फैक्टर मेक और बाय के ऊपर जो डिसीजन है, ये कॉन्सेप्ट सब आपके पास रेडी होने चाहिए। सर हम लोग को याद नहीं है, नो प्रॉब्लम, रिफर माय वीडियो, लिंक मिलेगा आपको, गो थ्रू दैट, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स मैंने वो वीडियोस में कवर कर लिए है, काम खत्म, नो टेंशन। फिर आ जाते हैं सम्स के ऊपर, तो क्विकली सम्स पे आ जाते हैं, पिक्ड अप फ्रॉम द रिसेंट पीएम, क्वेश्चन 2 कंबाइंड पीवीआर का सम है, क्वेश्चन 3 लिमिटिंग फैक्टर का सम है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 5 जंपिंग ब्रेक इवन पॉइंट, फ्रेंड वाला इंजीनियर, फिर क्वेश्चन 11 इज कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट के ऊपर, तो जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स अपन कवर कर रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड सब ऑलमोस्ट सम्स भी मैंने कवर किए हैं। एज आई सेड डिसीजन मेकिंग में तो हर सम अलग है, बट स्टिल कुछ मैंने पिकअप किया है विच विल मेजरली कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स। फिर क्वेश्चन 19 का मास्टर सम है रेलेवेंट कॉस्ट के ऊपर, जिसमें जितने भी मटेरियल लेबर ओवरहेड मशीनरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है सब कवर हो जाएंगे। फिर जॉइंट प्रोडक्ट क्वेश्चन 21, 5-5 मार्क का कई बार इस पेपर क्वेश्चन आ जाता है, मेक और बाय का क्वेश्चन 28, प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं क्वेश्चन 38, सब कॉन्ट्रैक्ट एंड 90 लिमिटिंग फैक्टर का है क्वेश्चन 49, देन क्वेश्चन 51 मेरा फेवरेट क्वेश्चन, कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट प्लस लिमिटिंग फैक्टर प्लस प्रिडिक्शन एरर गोल्डन पेन, देन लेबर ओरिएंटेड वाला क्वेश्चन, एंड फाइनली शटडाउन और नॉट वाला क्वेश्चन, शटडाउन कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट ये जॉइंट प्रोडक्ट ये सब 5-5 मार्क के लिए आ जाते हैं, रेलेवेंट कॉस्ट के ऊपर रेलेवेंट कॉस्ट के बाइफर्केशन का 5-5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, सो प्लीज बी क्लियर अबाउट दैट एंड उस हिसाब से चीजों को करना है। एज आई सेड
कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हो फटाफट, यू कैन गो थ्रू माय वीडियोस, वेलकम, पूरा काम हो जाएगा आपका. देन कम्स प्राइसिंग पॉलिसी, फेयरली सिंपल, स्पेशली डिसीजन मेकिंग मार्जिनल के बाद ये इजी रहेगा. ये चैप्टर थ्योरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सेक्शन ए आपको याद रख के रिफर करना है. क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, स्पेशली स्कीमिंग प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी शुड बी यूज्ड इन वेरियस सिचुएशंस. देन इज योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन विच इज योर सेक्शन बी, इसमें क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 10 इज माय पर्सनल फेवरेट, बहुत अच्छे फंडामेंटल इसमें कवर होंगे, तो ये करना है. देन क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 17 इज रिलेटिंग टू योर कैपिटल बजटिंग प्लस प्राइसिंग पॉलिसी, सो थोड़ा यूनिक समय कर लीजिएगा. एंड क्वेश्चन 19 इज परीटो एनालिसिस, फॉर मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो परीटो का थ्योरी एज वेल एज परीटो का ये क्वेश्चन 19 वाला क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फेयरली सिंपल, बट यस, ये थ्योरी अपने को थोड़ा ढंग से करना है, सम्स स्मूथली हो जाएगा. ठीक है, सो 5, 7, 10, 13, 17, 19 के ऊपर परीटो एनालिसिस, पॉज एंड प्लीज राइट इट डाउन. ओके, देन आ जाते हैं आपका और मेरा फेवरेट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट होने के पहले मेरा वीडियो देख लो, 3 आवर्स का वीडियो है जिसमें एक्सटेंसिवली मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को एंड फॉर्मूला को कवर किया होगा. आई एम श्योर आप लोग वो देख चुके हो, नहीं देखा है कोई बात नहीं, वापस से देख लो. और मैंने एक हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का भी एक वीडियो बनाया, सेम ऑल कॉन्सेप्ट कवर, वो थोड़ा क्विक फायर लेवल पे एग्जाम ओरिएंटेडनेस. ठीक है, सो वहां पे सबसे पहले रिवाइज ऑल फॉर्मूलाज ऑन योर ओन, खुद से पूरा फॉर्मूलाज लिख लो, फिर यू विल बी सेल्फ सफिशिएंट टू सॉल्व द क्वेश्चंस. क्वेश्चन 2, 4, 5, 6, 18, 23, 28, 39, 43 मिसिंग वेरिएंसेस भी आ गया इसमें, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला भी आ गया, जो टिपिकल फिक्स्ड ओवरहेड्स वाले क्वेश्चंस है वो भी आ गए, वेरिएबल ओवरहेड प्लस लेबर वाला भी क्वेश्चन आ गया है इसमें, मटेरियल का जो टिकी क्वेश्चन है ओनली मटेरियल का वो भी आ गया है. सो कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स, एक क्वेश्चन जहां पे आई थिंक 43 है यंग चेन वाला, जहां पे मार्केट साइज, मार्केट शेयर वेरिएंसेस है, वो वाला भी कवर हो गया है. सो मोर देन सफिशियंट. सेक्शन सी में एक क्वेश्चन 2 है, उसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा तो वो भी हेल्पफुल रहेगा. अगेन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए वीडियो का लिंक विल बी गिवन, तो प्लीज आप वहां से देख लीजिए एंड यू कैन बी थ्रू. फिर आ जाता है 13, अपने को जो करना है वो है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 9 है अपने पीएम में, उसमें सेक्शन ए का क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 करना है आई थिंक, फिर बाद में सेक्शन बी का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 करना है, फिर क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसमें फॉर्मूलाज है. सो ये आदित्य टेकोज लिमिटेड एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये क्वेश्चन 7 एक बार एग्जाम में आया है, तो प्लीज इसको बराबर से कीजिएगा. एंड आदित्य टेकोज इज योर वो कॉस्ट इफेक्ट, रेवेन्यू इफेक्ट, ग्रोथ के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर वो वाला है, प्लीज उसको भी बराबर से कीजिएगा. सर इसके लिए भी वीडियो बनाया है, जी हाँ, इसका भी रिविजन वीडियो है, गो थ्रू दैट रिविजन वीडियो एंड यू विल बी थ्रू. सेक्शन सी में क्वेश्चन 1 to 10 में से कोई भी दो कर लो. याद रखना, इस चैप्टर का बैलेंस स्कोर कार्ड का थ्योरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो मैंने यहाँ पे आई थिंक मार्क भी करवाया है. सो वही बैलेंस स्कोर कार्ड से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सेक्शन सी में, तो 1 to 2 में से आप कोई भी कर लो, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, उससे रिलेटेड वीडियोज है, यू कैन गो थ्रू दैट. फिर है लास्ट सर्विस सेक्टर, क्वेश्चन 5, 6, 8, 15 हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी लॉजिकली भी आप कर सकते हो, सो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसमें मैंने एक होटल वाला कॉन्सेप्ट लिया है, एक क्लिनिक वाला कॉन्सेप्ट लिया है एंड एक दो क्वेश्चन मैंने वो एयरक्राफ्ट वाले लिए है. विद दिस यू विल बी डन एंड डस्टेड विद योर कॉस्टिंग एंड ओआर. एज आई सेड, सर्विस सेक्टर या वो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके ऊपर वाले सब कंप्लीट कर लेना थरली, जितने भी नोट्स है रेडी रखना, बी कूल इन योर एग्जामिनेशन एंड मैं बोलता हूं रॉक करके आओगे आप लोग 101%. ऑन दैट नोट, साइनिंग ऑफ सी ए संकल्प कांस्टिया, ओल्ड सिलेबस, कॉस्टिंग ओआर स्टूडेंट्स, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, होप यू ऑल डू वेल, स्टे काम इन द पेपर, 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने का कोशिश करना, आई एम श्योर आप अटेम्प्ट भी कर पाओगे एंड देन लेट्स कैच अप. आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स के साथ मुझे व्हाट्सएप करोगे, कॉल करोगे एंड इफ यू आर इन मुंबई और इफ आई एम एट योर प्लेस, डेफिनेटली अपन लोग मिलेंगे ऑन चाय पे चर्चा. ठीक है, चलो, ऑन दैट नोट, साइनिंग ऑफ सी ए संकल्प कांस्टिया विद अ वेरी प्लेजेंट बेस्ट विशेस, अस्ता विस्ता, थैंक यू, टेक केयर.